नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त हो गया खबर असरदार का, मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 साल बाद, जी हां 5 साल बाद एक बार फिर केंद्र की सत्ता पर कब्जे की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। महासंग्राम 2024 का मैदान सज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियां मुद्दे को हथियार बनाकर प्रतिद्वंद्वी पर वार करने को बेताब है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। 13 मार्च के बाद चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। सत्ता के सबसे बड़े संग्राम के लिए बिगुल बजने वाला है। मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग 7 से 8 चरणों में मतदान की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहा है। राज्य का दौरा 13 मार्च से पहले पूरा होने वाला है। आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों का आकलन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने समस्या वाले क्षेत्रों, ईवीएम की आवाजाही, सुरक्षा बलों की उनकी जरूरत, सीमाओं पर कड़ी निगरानी का आकलन किया है। इलेक्शन कमीशन इस साल चुनाव के सुचारू रूप से संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रहा है। बजने वाला है चुनावी बिगुल। 13 मार्च के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा। 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। आइए एक नजर डालते हैं साल 2019 में हुए मतदान की तारीखों पर। 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में 7 चरणों में हुआ था मतदान। आइए अब जान लेते हैं साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम, बीजेपी के पाले में 303 सीटें, कांग्रेस को 52 सीटें मिली, डीएमके 23 सीट, टीएमसी 22 सीट, वाईएसआरसीपी 22 सीट, शिवसेना 18 सीट, जेडीयू को 16 सीटें, बीजेडी को 12 सीट, बीएसपी के पाले में 10 सीट, टीआरएस 9 सीट, एनसीपी के पाले में 5 सीट, एसपी के पाले में 5 सीट, सीपीआईएम को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, जेडीएस को 1 सीट, अन्नाद्रमुक को 1 सीट। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। वहीं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कश्मीर में धारा 370 आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दों में से एक था, जो अब अतीत बन चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया और अब बारी है लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करने की। तीन सौ सत्तर तक केंद्र की बीजेपी सरकार ने 370 का लक्ष्य हासिल किया। अब बारी दूसरे लक्ष्य 370 की है। बीजेपी की नींव रखे जाने के वक्त से पार्टी का लक्ष्य समान नागरिक संहिता, अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर से धारा 370 हटाना था। इनमें से 2 लक्ष्य को मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार ने हासिल कर लिया है। समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज है। उससे पहले बीजेपी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। धारा 370 हटाने का सबने स्वागत किया है, तो ये देश गौरवान्वित हुआ इस निर्णय से और एक असंभव को संभव करने का काम दिखाया। तो मोदी जी ने वही कहा है कि जिस प्रकार से हमने धारा 370 हटाई है, अब हमको 370 सीटें लाना है इस चुनाव के अंदर। और हर कार्यकर्ताओं को उन्हें लक्ष्य दिया है कि अपने अपने बूथ पर 370 वोट बढ़ाए ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकें। और चूंकि मोदी जी का ये लक्ष्य है, मोदी जी का संकल्प है, तो देश भर के भाजपा का हर कार्यकर्ता संगठन उसके उन संकल्प को पूरा करने में जुट गया है। तो मध्य प्रदेश की भी बात करें तो वीडी शर्मा जी ने तमाम अपने कार्यकर्ताओं को और अपने
संगठन के जो नीचे की बूथ इकाई सबको इस प्रकार का निर्देश किया है कि मोदी जी के संकल्प को हमें पूरा करना है। उधर बीजेपी के 370 का लक्ष्य हासिल करने के लिए धारा 370 हटाने को मुद्दा बनाने पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 सालों से है, मध्य प्रदेश में 21 सालों से है। यदि उसे आज भी भगवान श्री राम, हिंदुत्व, धर्म, शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब और कश्मीर जैसे मुद्दों को उभार कर चुनाव लड़ना है तो फिर देश आत्मनिर्भर कैसे हुआ? गौरतलब है कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की चर्चा तेज हुई थी तब विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर खूब हंगामा किया। कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बहुत शोर मचाया था। कांग्रेस ने भी तमाम तरह के दंगे फसाद होने की आशंका जताई, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई। यही वजह है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 370 सीटें हासिल करना चाहती है। देखिए, भाजपा हर असंभव को संभव करने का काम करती है। जिस समय भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने धारा 370 हटाने की बात कही तो देश भर में कांग्रेस के नेताओं और तमाम नेताओं के बयान आए, दंगे फसाद हो जाएंगे, देश भर में खूनों की नदियां बह जाएगी, कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, तमाम तरह की आशंका व्यक्त की। लेकिन हमने देखा कितनी शांतिपूर्ण धारा 370 हटी, कहीं कोई विरोध, कहीं कोई दंगा फसाद, कहीं कोई प्रदर्शन, कुछ भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के तारीखों की भले ही घोषणा न हुई हो, लेकिन बीजेपी ने साल 2024 के सियासी महासंग्राम का एजेंडा तय कर दिया है। ऐसे में देश के दो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे रहे 370 और राम मंदिर चुनावी मुद्दा न हो ऐसा संभव नहीं। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, कुछ इसी नारे के साथ बीजेपी ने देश भर में कश्मीर आंदोलन को हवा दी थी और इसके बाद देश में भाजपा की सरकार आई, मोदी सरकार ने उस धारा 370 को भी हटाया और एक बार फिर वर्ष 2024 के मिशन के लिए बीजेपी उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और उस कश्मीर को जो भारत का अभिन्न हिस्सा है अब जनता को याद दिलाने के लिए जुट गई है। और इस बार भाजपा अपने कैंपेन में राम मंदिर तो होगा ही, लेकिन कश्मीर को भी हर घर घर तक ले जाएगी कि आज वहां किस तरह से शांति है और किस तरह अब सचिन तेंदुलकर भी वहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल हुआ था। धारा 370 के तहत कश्मीर को अलग अधिकार हासिल थे। 1956 में जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बना, अपना अलग संविधान, अलग झंडे का अधिकार कश्मीर को हासिल था और साथ ही वहां दूसरे राज्य के लोगों को संपत्ति खरीदने पर उनके रोक लगी हुई थी। 1984 में बीजेपी ने 370 को हटाने का, उसके उन्मूलन का मुद्दा बनाया। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई, हमेशा हमेशा के लिए इस बात का ऐलान कर दिया गया। और अब कश्मीर में हुए बदलाव को लेकर ही इसीलिए 370 फॉर्मूले के साथ बीजेपी हर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग का ऐलान कर रही है, उसने रणनीति बना ली है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा बहुत तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर मंथन के लिए दिल्ली में शनिवार को एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी तलाश में लगी हुई है दमदार चेहरों की। एक तरफ चुनाव आयोग मतदान की तारीखों की घोषणा की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चुनाव का अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, जहाँ लोकसभा चुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो अपेक्षित श्रेणी में हैं, उन सभी का जाना होगा और
आज ये निर्देश प्राप्त होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये निर्णय यहाँ का नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें बैठेंगे, विचार विमर्श के बाद जैसा भी निर्णय होगा उनका और उसके निर्णय के आधार पर और वो प्रत्याशी बनेंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ज्यादातर नए चेहरों को मौका देगी, कुछ ऐसा ही संकेत पीसीसी चीफ दीपक बैज दे रहे हैं। बैज ने कहा कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में दो फॉर्मूले पर काम कर रही है, एक ऐसे चेहरे की तलाश जो मजबूत हो, साथ ही वो जनता और कार्यकर्ताओं को पसंद हो, दूसरा प्रत्याशी ऐसा हो जिसे जनता जानती है। कांग्रेस दो फॉर्मूले पे चल रही है, एक तो नंबर एक कोई ऐसा मजबूत चेहरा जो जनता का पसंद का हो, जनता के बीच में छवि अच्छा और जनता उनको जानती हो, एक चेहरा रहेगा, अनुभव चेहरा भी रहेंगे और इसके अलावा नए प्रत्याशी भी रहेंगे जो चुनाव विनेबल हो और उसको जनता और कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर सके। दोनों तरह के मिक्सिंग चेहरा कांग्रेस के पास रहेगा और इस तरह से कांग्रेस पार्टी तालमेल बिठाकर चुनाव लड़ाएगी और प्रत्याशी घोषणा करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी और जल्द ही तारीखों के ऐलान के संकेत ने राजनीतिक दलों की रफ्तार बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों के लिए होने वाले संघर्ष में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस में चेहरे पर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची मार्च में जारी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की लिस्ट में लंबे समय से टॉप पर बने हुए हैं। एक बार फिर अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट में मोदी 78% अप्रूवल के साथ नंबर वन पर कायम हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक तक को पीछे छोड़ दिया है। एक बार फिर साबित हो गया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पॉपुलैरिटी के मामले में पीएम मोदी बाइडेन, सुनक, मैंक्रो जैसे नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं। He was Bruce Springsteen and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे ने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं पीएम मोदी। उन्होंने विश्व के सभी बड़े नेताओं को लोकप्रियता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की इस लिस्ट में विश्व के सभी बड़े नेताओं के बारे में आंकड़ों समेत जानकारी दी गई है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78% लोकप्रियता के साथ पहला स्थान हासिल किया, यानी 78% लोगों की पसंद पीएम मोदी बने हैं। वहीं मैक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रादोर की लोकप्रियता 65% है और वे दूसरे नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर जेवियर माइली, राष्ट्रपति अर्जेंटीना। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के हिस्से में 52% लोकप्रियता आई है, जबकि स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति वियोला पैट्रिशिया एमर्ड 51% रेटिंग के साथ दुनिया में 5वें नंबर की लोकप्रिय नेता बनी हैं। ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने लोकप्रियता की लिस्ट में शीर्ष पर अपना स्थान बनाया है। इससे पहले भी वे लोकप्रियता के मामले में दुनिया के नेताओं के बीच शिखर पर रह चुके हैं। न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। The policy led by Prime Minister Modi, His Excellency, is one of the politicians of the global scale that I was talking about previously without giving the names. पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर होते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है
ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर यूएई तक, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उन्हें सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। इनमें न सिर्फ विदेशों में रहने वाले भारतीय शामिल होते हैं बल्कि विदेशी नागरिक भी पीएम मोदी के मुरीद दिखाई देते हैं। ये पीएम मोदी का जादू ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हर बार गर्मजोशी से पीएम मोदी से हाथ मिलाने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहते हैं। न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं बल्कि यूएई जैसे देश में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी वे उद्घाटन करते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख तेजी से बढ़ी है और देश विदेश नीति के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। भारत की दमदार विदेश नीति का नतीजा है कि आज अमेरिका और रूस दोनों देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सर्वे के इन आंकड़ों के जरिए एक बार फिर से साफ हो गया कि दुनिया भर में नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर वन पर हैं। दुनिया के किसी भी देश के नेता उनके आस पास भी नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।